हाँ जी, क्या हाल है? एक नंबर। तो ये रही यामा MT-15 मोस्ट एडिशन। सो मोस्ट एडिशन खड़ा था शोरूम पे, मैंने सोचा आपको दिखा देते। काफ़ी लोगों को मोस्ट एडिशन पसंद आता है, ऐसी लुक आती है बाइक की। ब्लैक है एंड इसमें आपको मोस्टर की बैचिंग मिल जाती है। ये देख सकते हो आप, ब्रांडिंग दे रखी है एम की, यहाँ पे मोस्टर एनर्जी की ब्रांडिंग। एंड कॉम्बिनेशन की बात करें, वॉल ब्लैक दिखती है बाइक वैसे तो, बट इसमें आपको मोस्टर की बैचिंग के साथ साथ ब्लू टच देखने को मिल जाता है। सो ब्लू एक्सेंट दे रखा है आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक पे भी। सो कलर तो काफ़ी सही लग रहा है ये भी, क्योंकि इसमें फेयरिंग तो है नहीं, तो इस वजह से इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है मोस्टर की वजह से। जो मोस्टर की बैचिंग है काफ़ी इसको प्रीमियम बना रही है। अब बात करते हैं फ्रंट से। सो फ्रंट से इसकी लुक काफ़ी नोटी लगती है, बाइक देखने में काफ़ी नोटी सी लगती है भाई। ये अलग सा इसका लुक आता है, फ्रंट का फेस जो है इसका काफ़ी एक एग्रेसिव लगता है। जो LED DRS मिल जाती है आपको यहाँ पे, इसकी आंखें बोल सकते हो आप, MT-15 की बैचें मिल जाती है आपको यहाँ पे, एंड प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है तो थ्रो अच्छा रहेगा, जो कि अब R15 V4 में भी दे दिया गया है। और नीचे की तरफ बात करूँ, मडगार्ड आपको यहाँ पे प्लास्टिक में मिल जाता है एंड ये मैट में है। और नीचे की तरफ चले तो भाई, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे डुअल चैनल देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से इसका प्राइस कम है, इसका प्राइस R15 से कम पड़ता है आपको। इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा गुड़गांव में 1,76,000 रुपीज़ ऑन रोड। सो एलोइस ब्लैक में मिलते हैं आपको, मोस्ट एडिशन है तो ब्लैक में मिलते हैं एलोय। एंड टायर मिलते हैं आपको वही MRF के रेडियल टायर्स मिल जाते हैं। टायर सही है, फ्रंट सेक्शन आपको हैंडल सेक्शन का देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, यामा की ब्रांडिंग मिलती है यहाँ पे भी। MT की भी सिल्वर में बैचिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे, बैचिंग काफ़ी सारी मिलती है मोस्ट एडिशन में। इंजन देख लो, ये पूरा ब्लैक लगता है आपको, जो ये पार्ट है ये सेक्शन फुल ब्लैक देखने को मिलेगा। इंजन सेम वही R15 V3 का है, मतलब ये R15 V3 का नेकेड वर्जन बोल सकते हो आप। इसमें वही आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है 155 cc का। पावर आउटपुट आपको दे देगी ये 18.5 BHP एंड 40 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कर देगी। तो वैसे वेट कम है R15 V3 से, तो इनिशियल पिकअप अच्छा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे R15 V3 से। एंड टॉप स्पीड में ये उससे थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी, तो टॉप स्पीड ये आपको दे देगी अराउंड 140 के आसपास, और माइलेज दे देगी FI है तो माइलेज भी आपको सही मिल जाएगी 40-45 km/h की। एंड इसमें आपको मोनो शॉक देखने को मिल जाता है सेम R15 वाला ही, तो हार्ड है थोड़ा सा, मतलब बम्प्स वगैरह तो फील होंगे नहीं इतने, बट थोड़ा सा हार्ड है इसका, स्टिफ है। फुटफैक्स वगैरह थोड़े कंफर्टेबली सेट है इसमें, क्योंकि आप लॉन्ग राइड इजीली कर सको। एंड एग्जॉस्ट मिलता है आपको R15 V3 वाला ही, आवाज़ भी वैसी ही मिलेगी लगभग, थोड़ा सा चेंज लगता है। और पीछे भी आपको डिस्क देखने को मिलता है, पीछे का टायर सेक्शन वाइड है इसका भी, इसमें 140 सेक्शन का टायर मिलता है। अच्छी लुक ये लगती है जो पीछे का पार्ट, इसमें टायर आप देख सकते हो जो ये सेक्शन इससे पीछे जा रहा, तो इससे काफ़ी अग्रेसिव एक लुक लगती है प्रीमियम सी। पीछे LED लाइट देखने को मिलती है आपको यहाँ पे। एंड सीट की बात करूँ, सो सीट भाई जो राइडर के लिए काफ़ी सही सीट मिलती है आपको यहाँ पे, इजीली कोई राइड कर सकता है बंदा, बट पीछे वाले बंदे को डर लगेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रैब रेल तो ये दे रखा है नीचे, बट पीछे कुछ भी नहीं है। सो सीट भी थोड़ी छोटी है, तो पीछे वाले बंदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूल टैंक आपको मिलता है 10 लीटर का R15 V3 से, 1 लीटर कम। सो यहाँ पे यामा की बैचिंग मिलती है, ये ब्लू पार्ट अच्छा लग रहा है ब्लैक के साथ। और फ्यूल टैंक जो है ऊपर से वाइड है, बट छोटा सा ही दिखता है, ये जो पार्ट है ज़्यादा बड़ा है नहीं, बट काफ़ी अलग सा एक पोस्चर फील आता है। इस पर बैठ के आप चलाते हो ना, तो मैंने देखिए एक अलग सा ही फील आता है इसमें। एंड हैंडल बार है ऊपर की तरफ, मिरर सभी इसमें लग नहीं रहे, सो मिरर नहीं है तो एग्रेसिव भी लग रही है। एंड यहाँ पे बटन्स की क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है। और भाई मीटर अभी ऑन करके दिखा नहीं सकता क्योंकि बैटरी कनेक्शन है नहीं, वैसे इसमें मीटर मिल जाता है, नेगेटिव डिस्प्ले मिलती है, डिजिटल मीटर मिल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता है ये, बट इसमें शायद यामा ब्लूटूथ कनेक्ट अभी देखने को नहीं मिलता इसमें। और भाई सीट हाइट मिलती है 810 mm की, कर्व वेट मिल जाता है 138 kg का। नीचे की तरफ आपको काउल देखने को मिल जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक। सच बताऊं तो ये फ्रंट लुक है काफ़ी अग्रेसिव लगता है मेरे को तो इसका, और जो है भाई आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। एंड एक चीज़ और, तो R15 से जो ये है इसका ये स्प्रोकेट आता है, इसके टीथ ज़्यादा मिलते हैं R15 V3 से इसमें, सो कहीं ना कहीं इसका पिकअप उससे इस वजह से भी ज़्यादा रहता है भाई, और मज़ा आता है चला के। स्मूथ बाइक है, आप हाईवे वगैरह पे भी चलाओगे काफ़ी स्टेबली चलती है। और आप बताओ किसको MT-15 अच्छी लगती है या R15 V3 अच्छी लगती है? तो लॉन्ग टूर के लिए चाहिए तो काफ़ी कंफर्टेबल ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और बाकी चलो, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कलर कैसा लगा बताना मेरे को, स्पेशली कलर के लिए ही बनाई थी वीडियो। बाकी मिलते हैं, खुश रहो, मौज लो, बाय।